झरोका चैनल में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं और इस बार हम राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जीवन परिचय करने जा रहे हैं। ये कक्षा दसवीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज से संबंधित लेखक और पाठ है, तो चलिए शुरू करते हैं। पर इसके पहले हम आपको एक जानकारी देना चाहते हैं कि हमने कक्षा दसवीं के कोर्स से संबंधित व्याकरण वाले हिस्से के भी कई एपिसोड बनाए हैं। आप उन्हें हमारे इसी चैनल पर खोज सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जीवन परिचय। राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म सन 1899 में बिहार में हुआ था और उनकी मृत्यु 1968 में हुई। उनका जीवन कष्टों और कमियों के बीच में बीता, जैसा कि लगभग हर व्यक्ति का बीता करता है। केवल दसवीं कक्षा तक पढ़ने के बाद वो आज़ादी की लड़ाई में जो है वो शामिल हो गए थे। उन्होंने कई बार जेल की यात्राएं भी इसीलिए की, और जब वे केवल 15 साल की उम्र के थे तभी वो लिखने लगे थे और उनकी रचनाएं देश की पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी थी। उन्होंने अपने जीवन में अनेक विधाओं में साहित्य रचना की है। उपन्यास उनका जो है उसका शीर्षक है पतितों के देश में। उनके कहानी संग्रह का शीर्षक है चिता के फूल। नाटक का नाम है अम्बपाली। रेखा चित्र का जो संकलन है उसका शीर्षक है माटी की मूर्तें। और उन्होंने यात्रा वृत्तांत भी लिखा है जिसका शीर्षक है पैरों में पंख बांधकर। संस्मरणों का भी एक संकलन प्रकाशित हुआ है और उसका शीर्षक है जंजीरें और दीवारें। और अब तो उनका जो संपूर्ण लेखन है, जितना भी उन्होंने अपने जीवन में लिखा है, उस सबको राम वृक्ष बेनीपुरी रचनावली के तौर पर 8 खंडों में प्रकाशित कर दिया गया है। उनकी रचनाओं में स्वतंत्रता की चेतना मिलती है, मानवता का हित वाले विचार दिखाई देते हैं और इतिहास की व्याख्या का भाव भी मिलता है। तो यह था राम वृक्ष बेनीपुरी जी के जीवन से संबंधित परिचय वाला हिस्सा। कृपया से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा हो तो उसे आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उसका उत्तर देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।